नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आज आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन सा कैमरा। दोस्तों, अगर आप ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हैं जो आपके बहुत ही कम बजट में आपको सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, ये कैमरा 3 मेगापिक्सल में आता है, जिसमें आपको बेहतरीन HD क्वालिटी, साथ ही ऑडियो सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन भी है। आप बात कह भी और सुन भी पाएंगे जिसके द्वारा आप। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक 4G कैमरा है, तो अगर आपको अक्सर बाहर रहना पड़ता है या आपके ऑफिस या आपके साइट को बार बार देखना पड़ता है, तो इसे आप लाइव मोबाइल पर देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के राउटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तो आप इसमें सिम कार्ड लगाकर आप इसे लाइव अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। कि दोस्तों, इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी केबल का झंझट नहीं है, डायरेक्ट तो आप इसे एडाप्टर के साथ प्लग इन करके डायरेक्ट प्ले कर सकते हो। साथ ही इसमें आप क्लाउड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैमरा 128 GB मेमोरी कार्ड तक सपोर्ट करता है, तो इसमें बैकअप आप अच्छा खासा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का बॉक्स मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, मास्टर 4G ऑल टाइम कलर कैमरा, इसमें गोल्ड ब्रांडिंग मिलेगी आपको। द मोबाइल फ़ोन नेटवर्क कैमरा, यानी मोबाइल पर आप ये कैमरा चला सकते हैं। मोबाइल एक कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर। HD कार्ड एंड क्लाउड स्टोरेज मिलेगा इसमें आपको। साथ ही ड्यूअल लाइट कलर विजन, 3 मेगापिक्सल का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों करता है ये कैमरा, फुल HD व्यू। यहाँ पर भी इसके कुछ फीचर्स ही दिए गए हैं जो अभी सामने हमने दिखाए हैं। चलिए इसे ओपन करते हैं। कुछ इस तरह का यह कैमरा हमें दिखेगा। साथ ही इसमें मास्टर 4G की बैजिंग दी गई है। इसमें IR LED के साथ फ्लैश लाइट LED भी दी गई है। 3.6 mm का लेंस इसके अंदर मिलेगा आपको। शायद पीछे आपको R और L दो एंटीने आपको इसमें दिए गए हैं, एंटीने लगा सकते हैं। ये एंटीने हैं इसके। ये स्टैंड है साथ में इसका वॉल माउंट करने के लिए। चाइनीज लैंग्वेज में दी गई है, साथ ही इंग्लिश में भी इसमें मिल जाएगा आपको पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह। ये आपको RJ45 के लिए दिया गया है, साथ ही स्क्रू वगैरह भी दिए हैं इसमें। एक मिलेगा आपको 4G एडाप्टर। यहाँ पर सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड का ऑप्शन के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। ये चारों स्क्रू हमें ओपन करने होंगे। तो दोस्तों, इसे हमने ओपन कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे हमें इसमें एक दो स्लॉट दिए हैं, एक मेमोरी कार्ड के लिए और एक है सिम कार्ड के लिए। ये जो है ये वाला आपको सिम कार्ड के लिए मिलेगा, इसमें आप सिम कार्ड लगा सकते हैं। हम इसमें सिम कार्ड इजेक्ट कर देते हैं और ये है एक मेमोरी कार्ड के लिए। रिजेक्ट करके स्क्रू ऑफिस से अपन स्क्रू लगा देंगे इसमें। यहाँ पर सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड का ऑप्शन के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। ये चारों स्क्रू हमें ओपन करने होंगे। तो दोस्तों, इसे हमने ओपन कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे हमें इसमें एक दो स्लॉट दिए हैं, एक मेमोरी कार्ड के लिए और एक है सिम कार्ड के लिए। ये जो है ये वाला आपको सिम कार्ड के लिए मिलेगा, इसमें आप सिम कार्ड लगा सकते हैं। हम इसमें सिम कार्ड इजेक्ट कर देते हैं और ये है एक मेमोरी कार्ड के लिए। रिजेक्ट करके स्क्रू ऑफिस से अपन स्क्रू लगा देंगे इसमें। दोस्तों, मोबाइल के कैमरे को ओपन करके सबसे पहले इसका बारकोड स्कैन करेंगे, जिसमें जो बॉक्स पे बारकोड का ऑप्शन दिया गया है ऐप डाउनलोड करने के लिए, इसको ओपन करके जो मास्टर कैमरे का जो ऐप है इजी क्लाउड नाम से, इसको हम इंस्टॉल करेंगे।
इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कीजिए। दोस्तों जब हम ओपन करते हैं तो एग्री का एक ऑप्शन मिलेगा, एग्री कीजिए। उसके बाद हमें मोबाइल नंबर से इसे एक्टिवेट करना होगा, तो सबसे पहले हमारा सेलफोन नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और नीचे हमें गेट वेरिफिकेशन कोड पे दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक हमें बना हुआ है, पे बॉल पे यहाँ से प्लीज गेट पर डालिए बेड पे, तो ये हमें आगे वेरिफिकेशन सेफ्टी सर्टिफिकेशन के लिए पूछता है। जैसे ही यहाँ से हम इसे आगे बढ़ाएंगे, आगे हमें ये वेरिफिकेशन कोड आएगा हमारे मोबाइल पे, वो हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। देखिए वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, यहाँ पे इसे एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। आई एग्री पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड कैमरा का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके जो कैमरे पे जो बारकोड बना हुआ है उसे हम स्कैन करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पे स्कैन किया है, ऑटोमेटिक ये हमारा ब्लूटूथ कनेक्शन मांगेगा, ताकि ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद जो हो बारकोड स्कैन हो जाएगा। देखिए हमारा कैमरा सर्च हो रहा है। ये देखिए प्रोसेस चालू हो चुकी है, ये 100% होने के बाद हमारा कैमरा हमारे इस पे ऐड हो जाएगा। इसे कंफर्म करेंगे और ये हमारा कैमरा हो चुका है चालू। देखिए इसे ओपन करेंगे, ये हमारा कैमरा हमारे मोबाइल पर लाइव हो चुका है। देखिए लोग बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसकी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.